हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त आज राम टिके और हाजिर हूँ आपके लिए छोटी जानकारी लेके। जिसे आप देख पा रहे हो, आज मेरे पास है फैशन प्रो BS6 मॉडल FI वर्जन में। तो ये गाड़ी मेरे पास प्री सर्विसिंग के लिए आई है, इसका हम पूरा काम करेंगे। देखिए, हमने इसका सबसे पहले आयल निकाल लिया है और इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर का कहना यह था कि इसके जो RPM है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, कम नहीं होता RPM, ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बोरेटर नहीं है, यहाँ पे लगा है फ्यूल इंजेक्टर, क्योंकि ये गाड़ी BS6 है, FI वर्जन वाली गाड़ी है। ठीक है, इसमें कुछ भी स्क्रू कुछ भी नहीं है जिससे हम RPM कम ज़्यादा कर सके। ठीक है, यहाँ पे तो है ही नहीं, और कार्बोरेटर में रहता था तो उस साइड में रहता था। ठीक है, साइड में रहता नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको दिखा दूँ, तो देखिए कंपनी ने यहाँ पे एक एलंकी वाला बोल्ट दिया है जिससे RPM कम ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है, फिर भी मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलंकी बोल्ट दिया हुआ है। अब आपको ये भी बताऊंगा कि एलंकी बोल्ट, एलंकी जो है नंबर, कितने नंबर की एलंकी लगेंगी वो भी बता दो आपको। देखिए, मेरे पास ये एलंकी का बॉक्स है, तो मैंने एलंकी बॉक्स ओपन कर लिया। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एलंकी बहुत सारी लगी हुई है। ठीक है, बहुत सारी लगी हुई है, आपको दिखाता हूँ कौन सी एलंकी लगेंगी यहाँ पे। ठीक है, हमने खोल लिया एलंकी बॉक्स, तो देखिए ध्यान से देखिए, जैसे देख पा रहे हो 2.5 नंबर की एलंकी फ्रेंड्स। ठीक है, 2.5 की एलंकी लगेगी। ठीक है, ये देखिए 2.5 लिखा है। ये देखिए, ये एलंकी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ वो वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली एलंकी यहाँ पे लग गई है। अगर आपको अगर आप इसको टाइट करोगे तो रेस बढ़ेगी, और ढीला करोगे तो रेस कम होगी। ठीक है, तो इससे हम गाड़ी का RPM सेट करते हैं। इसका एवरेज आप सेट कर सकते नहीं, क्योंकि इसका जो है फ्यूल इंजेक्टर है, तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक एवरेज इसका सेट होता है। लेकिन अगर आपको RPM कम ज़्यादा करना है तो आप इसको कर सकते हैं लंकी की मदद से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी छोटी जानकारी। देखिए यहाँ पे लंकी बोल्ट लगता है, कार्टर में उस साइड होता था लेकिन अब इस साइड में है, सिर्फ RPM स्क्रू है इसमें। ठीक है, एवरेज सेटिंग का स्क्रू इसमें दिया गया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो ये है इसे, इसका हम बाकी काम भी कर लेंगे। बाकी काम करने के बाद गाड़ी को पूरा वॉशिंग करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो गाड़ी फ्री सर्विसिंग में आई है हमारे पास। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब।